तो जो क्लिप आपने अभी देखा है वो बेसिकली उस क्लिप में मैंने मुझे नहीं पता था, मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली थी, रिकॉर्डिंग हो रही है और मैंने अपने ऐसे बाल खोले हैं और मैंने कहा मैं चलो अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और क्या हुआ, वो मैंने बंद, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैंने ऑन किया हुआ है, मैंने जब अपनी तरफ से ऑन किया पर वो मैंने ऑफ कर दिया और मैंने सारा व्लॉग का इंट्रो कर लिया और फिर जब मैंने देखा उधर रिकॉर्डिंग ही हुआ हुआ, शुक्र है मैंने देख लिया। तो मैं ये कहती थी कि मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी मतलब ड्रेस्ड अप हो गई हूँ, कपड़े मैंने पहन लिए हैं अभी प्रेस करके। तो ये जो पिम्पल, दो पिम्पल इतने जहरीले पिम्पल निकले हुए हैं ना, ख़त्म ही नहीं हो रहे, तकरीबन एक हफ्ता हो गया जा ही नहीं रहे, ऊपर से निकला भी इधर है जो जहर लगता है मुझे। खैर मैं रेडी होने लगी हूँ अम्मी की तरफ जाने के लिए, आज संडे है, अम्मी से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, अम्मी का भी बहुत दिल कर रहा था, तो अम्मी ने मुझे बुलाया है। तो मैं अब फटाफट से रेडी होती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर, अब हम आगे मिलते हैं, बाय बाय। तो मैं अभी अभी निकल गई हूँ और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, 3 बजे हम लोग निकले हैं और मेरे ख्याल से क्योंकि संडे है और दोपहर के टाइम क्योंकि इतना रश नहीं होता गर्मियों में स्पेशली और वो भी संडे को, तो हम इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे, कोशिश तो आधे घंटे तक या 40 मिनट्स तक पहुँच जाएंगे, बहुत भी अगर टाइम लगा या रश हुआ तो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ, हेलो, ब्रेक के बाद। जी तो हम लोग कैनाल पर हैं इस टाइम और हम लोग पहुंचने वाले हैं, और जिस टाइम पे बस मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना उस टाइम पे आयरा चीखे मारना शुरू करती है, पूरा रास्ता चुप रही है ये, जैसे ही मैंने कैमरा निकाला है ऑन किया है और बस। और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं, हम लोग हैं यहाँ पर, तो चले अब मैं अम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ। वी रीच्ड फाइनली, और कितने बजे पहुंच गए हैं, हाँ आधे घंटे में। क्या बना रही हैं? सो मैं कर रही हूँ सोफ़े पे लेटकर चिल, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है, और यहाँ से ये खिड़की सारे लफ्ज़ मिक्स हो गए इस टाइम, खिड़की खुली हुई होती है और इस तरह का इन्वायरमेंट है, ये सुकून से पंखा चल रहा है, टाइम 6 बजने वाले हैं, टाइम तो आपको नज़र नहीं आएगा ये बाहर है इस टाइम। तो मैं अम्मी यहाँ बैठी हुई थी, अम्मी अभी किचन में गई हैं और तो अम्मी के साथ ही गप्पे शप्पे मारी थी, आयरा जस्ट अभी सोई है और मैं उसको लेटा रही हूँ, और मेरे पता नहीं ये राइट जो मेरी ये टांग है ना, ये ऊपर से पाउंड तक किसे पता नहीं क्या मसल कुछ हुआ है या कुछ हुआ है ऐसा कि वो उस पर बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रही है अजीब तरह की ना। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। जी तो आयरा भी अब सोकर उठ गई है और मैं अब इसको कुछ खिला लूँ क्योंकि इसने सुबह का खाया हुआ है और टाइम 6:30 हो गए हैं, और उसके बाद फिर हम भी डिनर करेंगे थोड़ी देर तक। तो अभी बस मैं फुल रिलैक्स मूड में हूँ, मैं सिर्फ अम्मी से मिलने आई थी, उनको टाइम देने आई थी, फिर थोड़ी देर में मेरी सिस्टर आ जाएंगी, फिर मैं देखती हूँ, फिर व्लॉग शूट करूँगी। तो अभी मैं बस आयरा को फ्री कर लूँ जल्दी से। तो ये अम्मी ने बहुत मज़े का मेरी फरमाइश पे बीफ पुलाव बनाया था, क्योंकि मेरा मटन या बीफ खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, चिकन खा कर मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ गई हुई थी, तो ये बहुत ही मज़े के रायते के साथ मैंने एंजॉय किया था। फिर ये आ गई थी मेरी सिस्टर और अम्मी। क्या हुआ अम्मी, मैं तो व्लॉग स्टार्ट किया है अभी, सर दर्द हो गया। अम्मी आप कभी भी मेरे यूट्यूब पे नहीं आई व्लॉग पे, तो आप हेलो करें और वो सलाम करें। हमारी अम्मी थोड़ी सी शाय है। चले बोले ना अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं नशवा के सारे लोग देखती हूँ और आप भी इसको ज़रा आगे लेके जाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया। चले थैंक यू। और जब मैं अम्मी की तरफ गई तो अम्मी ने रसमलाई का नाम ले लिया, कि अम्मी ने मुझे कहा कि मैंने तो रसमलाई भी बनानी थी, मैंने कहा तो बनाए ना, तो फिर अम्मी ने रसमलाई भी बना दी और ये भी बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि अम्मी के हाथ की रसमलाई
तो पूरे कहते हैं ना खानदान में फेमस है। और ये बहुत अरसे के बाद मैंने मम्मी के हाथ ही खाई थी, वरना हम बाहर से ही खाते थे। इस तरह भाजी होती है ना, मैं जा रही हूँ। ओके बाय बाय। ये हम ब्लॉग वाला मिल रहे हैं। आज की फर्स्ट वॉक थी जो कि हो गई है डन, और अब मैं जा रही हूँ वापस। ज़ैनब आ जाओ चले। तो नेक्स्ट डे की रात हो गई है, अभी 10 बज गए हैं, और आज सारा दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग शूट कर सकूँ। आपने जो क्लिप देखे पीछे वॉक के, वो मैं शाम को तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था जब वॉक करने गई थी भाभी के साथ, और आयरा सो रही थी, तो मैंने कहा चलो मौका अच्छा तो थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। तो वॉक के बाद थकावट होगी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वॉक स्टार्ट की है, तो जब आप वॉक स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी ज़रा थोड़ी उसको टाइम लगता है, 1-2 दिन लगते हैं सेट होने में। तो अभी कल फिर वॉक करूँगी, परस मतलब अब रूटीन में वॉक करूँगी तो आदत हो जाएगी बॉडी को भी, और फिर आपको लेकिन हाँ बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, क्योंकि आपको बहुत लाइट फील होता है वॉक करने के बाद। तो बस यहाँ पाकिस्तान जब से आई हुई हूँ मेरी रूटीन उस तरह से नहीं बन पा रही जिस तरह से मैं चाहती हूँ मेरी रूटीन हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये वकेशन वाला टाइम ही चल रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक प्रॉपर यानी कि मैं अपने सिस्टम और उसमें वापस नहीं चली जाऊँगी तो आई डोंट नो, शायद तब तक ऐसा ही रहेगा। और इस वजह से मैं पर्सनली हिट हो रही हूँ अपनी रूटीन को लेकर। तो हाँ खैर टॉपिक थोड़ा ट्रैक से अब हम निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं। तो अभी मैं फ्री हुई थी, फिर उसके बाद काम शाम करती थी, आयरा को नहलाया, इसकी ऑयलिंग की हुई थी, मैंने कहा चलो इसको क्योंकि अब आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर मैंने इतनी स्वेटिंग हुई थी कि मेरे से तो उन कपड़ों में क्या मतलब, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे ही कपड़े चेंज कर लूँ। फिर मैंने बाथ लेकर फिर उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद अब चाय वगैरह पी, फिर मैंने आयरा का खाना बना के रखा क्योंकि 10 बजे गैस चली जाती है। अब उसको मैंने फीडर दिया हुआ है कि वो अब थोड़ा रेस्ट करे क्योंकि उसने भी माशाल्लाह बहुत खेली है, और वही बस ये चल रहा है। 10 बज गए हैं और बस 1-2 घंटा ही अब जागेंगे आयरा को, फिर उसके बाद मैं सुला दूँगी। और अभी बस आज का दिन मतलब ऐसे घर में रूटीन रही है, क्योंकि हम 3-4 दिन से बाहर निकल रहे थे किसी ना किसी काम से, और कल का दिन अम्मी की तरफ गुजरा। और अभी मैं एक व्लॉग मैंने एडिट किया हुआ है जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं लगा देती हूँ अभी इस टाइम पर, और चले मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ, वो वाला एम्पोरियम वाला आप लोग वो देखिएगा। और साथ साथ फिर मैं अब कल नेक्स्ट डे से अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हो गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत फील होता है। एक तो कुछ मैं कैमरा हमेशा अपने बिल्कुल सामने लेवल पे रख के बात करती हूँ क्योंकि मैं फ्रंट कैम से शूट करती हूँ, लेकिन अगर मैं ऊपर से इस तरह से शूट करूँ तो मेरा मुँह थोड़ा सा पतला आएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ही अपने मुँह के पास मैंने कैमरा किया होता, क्योंकि अगर मैं ऐसे करके बात करूँ ना यूँ करके तो फिर बहुत बाजू थक जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ चलो ऐसे ही बात कर लो। तो चलें अब कल मिलती हूँ, ये मेरे हाथ में आयरा की पिन है, तो चलें अब कल मिलते हैं। मैं अपना जल्दी से मेरे पास टाइम है, मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। भी हुलिये में होती हूँ ना, बस उसी तरह से दुपट्टा लेकर नीचे शूज़ पहन के आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो चले वॉक कर लूँ अच्छी तरह से, फिर मिलती हूँ बाद में। और इस व्लॉग में मेरे पास कुछ भी नहीं क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही घर पर हैं, तो घर पे और कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसलिए बस मैं आपको 2 दिन से सिर्फ वॉक दिखा रही हूँ। एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है, नेचर बहुत ही अच्छी लग रही है।
जी, तो आपने देखा कि कैसे मेरा अम्मी के घर टाइम गुजरा और अम्मी कुछ थोड़ा सा शाये फील कर रही थी, आपने उस क्लिप में देखा होगा। मैंने उसके लिए कोई सेपरेट से मैंने अलग से शूट नहीं किया उस टॉपिक पर बात करने के लिए, लेकिन हाँ अम्मी के लिए और अम्मी के सर में एकदम दर्द होना शुरू हो गई थी। तो वो वाला क्लिप जो आपने देखा होगा वो ये था कि वो एकदम जो दिमाग में ठीस पड़ती है ना, जो नॉर्मली मेरे भी पड़ती है अक्सर, तो ये वो था। और आपको अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जैसे कि मेरी अम्मी ने कहा है कि आपने मेरे चैनल को और मुझे मज़ीद आगे लेकर जाना है। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।